नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। जैसा ही किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लाइव बाबा गिल की मल्टीक्रॉप थ्रेसर चल रही है जो कि 48 इंची ड्रम के साथ आती है। और मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूँ, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस बाबा गिल मल्टीक्रॉप थ्रेसर का रिजल्ट किस प्रकार है, ये कौन से ट्रैक्टर पर चल रही है, ये दाना कितना उड़ा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण गीला माल कितना परसेंट निकाल रहा है। हम आपको गीला माल भी बताएंगे कितना। सबसे पहले आपको लाइव जानकारी देंगे कि दाना उड़ा रही है या नहीं जानकारी देंगे। तो ये प्रात तब तक हम यहाँ पर रखते हैं, अगर कोई दाना उड़ा रहा होगा, ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर दाना उड़ा रही होगी तो ये इसके अंदर आ जाएंगे, इसको भी दिखाएंगे कि इसके अंदर दाना आ रहा है या बिल्कुल दाना नहीं उड़ा रहा है। और अब आपको माल के बारे में जानकारी देते हैं कि ये कितना परसेंट गीला माल निकाल रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि देखिए कि किसान भाई गीला माल पूरा गीला माल है। जो दोस्त बोलते हैं ना कि गीला माल नहीं निकालते मल्टीक्रॉप, सब देखिए देखिए देखिए, अब इससे ज़्यादा तो क्या गीला माल होगा दोस्तों। देखिए मेरे हाथ गीले हो गए, देखिए कि दोस्तों प्रॉपर गीला माल है ये। देखिए अगर आप थोड़ा और ज़्यादा नीचोगे तो पानी निकल जाएगा, इतना परसेंट गीला माल है और वो भी ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर निकाल रही है। आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं कि कितना परसेंट गीला माल है। ये देखिए पूरा गीला माल है, जैसे कि पानी निकल रहा है फसल से। आप देखिए कि दोस्तों कितना परसेंट गीला माल है। गीले माल के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, देखिए जैसे कि आप ड्रम चोक होने वाली समस्या आ रही है तो इस हैंडल के माध्यम से ये गीला माल ड्रम से वापस डोली के अंदर आ जाएगा और डोली से वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा। देखिए कि इसके रोलर की क्वालिटी, देखिए गीले माल की बहुत आसानी के साथ अंदर ले रही है। और अब आपको दाना दिखाते हैं कि किस प्रकार आता है, सरसों कितनी गीली आ रही है वो आपको जानकारी दिखाते हैं और माल में कितनी सफाई आ रही है वो आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश माल आ रहा है किसान भाई, देखिए आप। और इस मशीन में आपको तीन व्हील मिलेंगे, एक व्हील ये हो गया, एक व्हील उस तरफ है और एक व्हील आगे की तरफ है। और दोस्तों अगर गीला माल निकालते हो तो ये ड्रम है ना जो आपका, इसके आरपीएम कम होनी चाहिए, तब आपका गीला माल अच्छा निकलेगा और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। ये आरपीएम चेंज करने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप बेल्ट देख पा रहे हो, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी पुल्ली पर है, जिससे कि ड्रम की आरपीएम कम हो गई, जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर सूखा माल है तो नीचे वाली पुल्ली बड़ी और ऊपर वाली पुल्ली छोटी रहेगी, इससे क्या है कि आपके ड्रम की आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपको डोली के आरपीएम चेंज करने हैं तो वो उस तरफ से हो जाएंगे, यानी आप कितना भी परसेंट गीला माल निकालो, एक सही तरीके से मशीन को सेट कर आप माल निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों वो आप एलिवेटर देखिए, इससे आप वो वाला पंखा का जो सिस्टम है उसके माध्यम से हवा कम ज़्यादा कर माल की सफाई ले सकते हो, जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से सफाई आ रही है। और ये आपका फिल्टर वाला सिस्टम हो गया, अगर आपका थ्रेसर के नीचे कुछ माल वाल बचता है तो फिल्टर के अंदर डालकर आप वापस ग्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको जानकारी देते हैं कि ये ड्रम कितने इंची ड्रम में है, ये 48 इंची ड्रम में है और इसके अंदर 150 ब्लेड हैं। और डोली की हाइट देखिए कि दोस्तों इतनी है, देखिए कि जो भी काम करते हैं उनको माल डालने के लिए बहुत आसानी रहती है, ज़्यादा ऊँची डोली नहीं है। अगर इतनी ऊँची डोली रहती है तो उसके अंदर आपको माल डालने में अधिक समस्या आती है, लेकिन इसकी डोली की साइज भी बहुत अच्छी है, जिससे कि देखिए कि आप कोई भी माल डाले, कुछ भी आपकी फसल डाले, बहुत आसानी के साथ आपको थकान महसूस नहीं होगी। और आप अब आपको अंदर से दिखाते हैं, देखिए कि ये चेन टाइप के अंदर है, अंदर रोलर, जिससे कि आपका गीला माल जाएगा तो वापस रिटर्न नहीं होगा। देखिए कि कितनी आसानी के साथ गीले माल अंदर जा रहा है। और अगर आपको डोली को रोकना है तो ये देखिए कि दोस्त इस हैंडल के माध्यम से, केवल एक हैंडल के माध्यम से आप डोली को रोक सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे डोली रुक गई। अगर आपको डोली चालू करना है तो इस हैंडल को आप नीचे करके वापस डोली को चालू कर सकते हैं। अब आपको जानकारी देते हैं कि डोली की आरपीएम किस तरह चेंज होगी। ये जो आप साइड के अंदर पुलियाँ देख रहे हैं, इसे आप डोली की आरपीएम यानी कम स्पीड पे और ज़्यादा स्पीड पर भी चला सकते हो। अब आपको दिखाते हैं कि थ्रेसर दाना उड़ा रही है या नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लाइव, जैसे कि मैंने यहाँ पर परात रखी थी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भूसा आ रहा है। अब परात वापस उठाते हैं और इसको देखते हैं कि दाना आया या नहीं। देखिए कि दोस्तों देखिए कि भूसा भी प्रॉपर गीला है। अब आपको दाना दिखाते हैं कि आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि दाना आ रहा है या नहीं।
देखिए किसान भाई, देखिए किसान, 1% भी दाना नहीं उड़ रहा। देखिए देखिए, ये बहुत हल्के हैं सरसों के दाने, ये खराब हुए हुए हैं रोग वोग से, तो उसके अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं रहता। ऐसे मान लो कि ये 1% से ज़्यादा दाना नहीं उड़ा रही, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और भूसा जैसा कि आप देख पा रहे हो, इतना गीला भूसा होने के बाद भी बिल्कुल बारीक है। देखिए कि दोस्तों अगर कचरे वचरे के साथ हल्का फुल्का दाना भी आता है इस तरफ से, दाना तो नहीं आ रहा है, अगर इसके साथ 1% भी दाना आएगा तो वापिस इस फिल्टर के माध्यम से पीछे चला जाएगा और वो आगे चालने भी आ जाएगा। ये वाला हैंडल देख पा रहे हो आप, इससे भी माल की सफाई के लिए काम में आएगा हैंडल। इसके भी RPM अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हो। और ये इसका आगे वाला व्हील हो गया और एक दो व्हील इसके पीछे की तरफ है। और ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है। अगर आप भूसे को ज़्यादा दूर तक करना चाहते हो तो इसको ऊपर कर सकते हो, जिससे कि भूसा ज़्यादा दूर चला जाएगा। अगर आप भूसे को बिल्कुल नीचे गिराना चाहते हो तो इसको बिल्कुल नीचे कर सकते हो, जिससे कि आपका भूसा यहीं पर रह जाएगा। किसान भाइयों, जैसा ही आप देख पा रहे हैं, मेसी 245 यानी 48 HP ट्रैक्टर पर ये चल रही है। अब आपको ट्रैक्टर की रेस दिखाते हैं कि कितने रेस पे चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि ये इतनी स्पीड पे ट्रैक्टर चल रहा है। अब आगे की तरफ आपको लेकर आते हैं, तो जैसा कि आप ये यहाँ पर 4 पुलियाँ देख पा रहे हैं, ये पंखे के RPM सेट करने के लिए। अगर आप बारीक फसल निकालते हो तो पंखे की हवा कम रहनी चाहिए, अगर आप छने वने गेहूँ की फसल निकालते हो तो पंखे के RPM ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हवा ज़्यादा उठाई और माल में अच्छी सफाई आई। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये लाइव रिजल्ट बाबा गिल मल्टीक्रॉप थ्रेशर का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।